आम भाई ने भी बहुत बढ़िया स्कोरिंग की है इस टूर्नामेंट में। देखिए कमेटी के जो मेंबर है जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, जिन्होंने मैनेज किया पूरे टूर्नामेंट को, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले अरबाज खान अय्या, साजिद उस्मानी, रेहान भाई, फैज़ान भाई, सैफ अंसारी, साहिल अंसारी, तौसीफ अंसारी, आमिर अंसारी, अरफात अंसारी, पठान शानू, साबिर खान, आइए सिकंदर खान आपका स्वागत है, आरिफ अंसारी, चंदू शाह, अब्दुल रहमान खान, जाफ़र कुरेशी, तौसीफ शेख, सादिक खान, अमान शेख, जावेद खान, मज़हर खान, खालिद खान, गुड्डू शेख, शाहिद भाई, ज़ियाउल शाह, सैफ अंसारी, अबू तलहा अंसारी, अयान खान और सिराज शेख, ये जितने भी लोग हैं मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलमान खान की तरफ से, और साथ ही साथ जाहिद अंसारी, मैं सलमान खान की तरफ से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है, इस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से अपने कांधों पर लिए और आज इस टूर्नामेंट की लास्ट रात खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर फाइक अंसारी और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे अवेश अंसारी। अहमदिया स्पोर्ट्स और खान स्पोर्ट्स के बीच में ये पहले सेमीफाइनल का मैच अब शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आएंगे तौसीफ। खेल की शुरुआत होने जा रही है और कमेंट्री में अब आने जा रहे हैं कमेंट्री की जान सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो पिछली 9 रातों के बाद आज ये 10वीं रात फाइनल मेगा फिनाले की रात सलमान इसकेस और उनकी कमेटी की कामयाबी की दास्तान लिखने जा रही है। यहाँ पर पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। खान स्पोर्ट बनाम अहमदिया स्पोर्ट्स, पहली गेंद दौड़ रही थी, इस दफा नो बॉल का इशारा आया है। अंपायरिंग पर है उमर मोमिन और तौसीफ रेहान भाईवा, ये तीन अंपायर के साथ। ओ हो खूबसूरत स्लिप, 6 रन। कल की शाम भी मज़हर खान हमने देखा था, 2 ओवर में केवल 11 रन थे, लेकिन उसके बाद अवेश अंसारी की क्या पारी रही और वो एक ओवर मज़हर खान फिर से एक हाथ से, इस दफा बहुत ज्यादा दूर से शॉट को खेलने का प्रयास किया था, केवल एक रन की मदद से स्कोर है 8 रन। देखिए मज़हर खान आइए अब इसके इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से थोड़ी गुफ्तगु की जाए, क्योंकि देखिए माणा कॉलोनी की सर जमीन पर पहली मरतबा ऐसा हम देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से ये टूर्नामेंट पिछली 9 रातों से चल रहा है और आज इस टूर्नामेंट की लास्ट रात है, जैसे कि सलमान खान ने कमिटमेंट किया था कि जो लास्ट रात रहेंगी टूर्नामेंट की वो लाइव रहेंगी, और अब हम देख रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जो है और जो ये मैच है ये लाइव देखा जा सकता है प्रिंस मूवीज पर। और उसी बीच सन ऑफ भिवंडी, देखिए मज़हर खान, कल हमने इस बात पर चर्चा की थी कि मैन ऑफ द मैच सबसे ज्यादा रेहान, फिर उसके बाद शादाब, हैदर सैयद, तंजीम गोरेकर, अब ये खिलाड़ी भी इन तीनों और चारों खिलाड़ियों की रेस में आ रहा है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है, कमिटमेंट कितना जबरदस्त रहता है इस खिलाड़ी का। फिर से गेंदबाज तौसीफ तैयार, खेल दिया उसी क्षेत्र में, इस दफा फील्डर वहां पर मौजूद थे, केवल एक रन की मदद से अब स्कोर है 15 रन। हेलो, बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से आपने कहा कि अवेश अंसारी के बारे में आपने कहा, देखिए अवेश एक ऐसा बल्लेबाज है जब क्रीज पर रुकता है सिकंदर भाई तो फिर अपनी टीम के लिए एक अच्छा टोटल वो खड़े करता है। कल देर रात भी हमने वही देखा था, कल जो मैन ऑफ द मैच वो बने थे, और प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की बात हम कहें
करें तो जिस तरह से आपने जो खिलाड़ियों के नाम लिए, शादाब के नाम लिए, तंजीम के नाम लिए आपने और हैदर के और अब अवेश अंसारी, तो ये खिलाड़ी भी उस सूची में अब शामिल हो चुका है। बिल्कुल मजहर खान, देखिए कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आपको हासिल करना है तो आपको उसको वक्त देना पड़ता है, आपको उसको समय देना पड़ता है और आपका 100% कमिटमेंट रहता है। तो वही कुछ देखने को मिला, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल कर ली है। और उनके शॉट देखिए मजहर खान, 360 डिग्री के एंगल में ग्राउंड के चारों कोनों में। वेलकम हरीश रू, आपका स्वागत है खान स्पोर्ट्स के। देखिए बाकी सबको अपनी जगह पर जाना है, सिर्फ कैप्टन बात करेंगे, बाकी सब फील्डिंग पर खड़े हो जाएं। पहले ओवर की समाप्ति पर सिकंदर भाई स्कोर हम देखे तो 15 रन बना गए, लेकिन जो बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने एक एक सिक्सर लगाया है। पहला जो सिक्सर लगाया था वो फाइक अंसारी ने, उसके बाद फिर अवेश ने भी सिक्सर लगाया है। तो देखना है फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। इस ओवर में दो सिक्सर लगे, पहला लगाया था फाइक ने और दूसरा अवेश अंसारी ने। सलमान एस्केस आज देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा सलमान एस्केस के बारे में, लेकिन ये जो तारीखी टूर्नामेंट है ये बहुत कुछ बयान कर रहा है सलमान खान की शख्सियत के बारे में। गेंदबाजी पर अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं अरबाज। अच्छा मुकाबला रहेगा मजहर खान अरबाज और अवेश के बीच में। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, क्योंकि अगर हम अरबाज की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, नगर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सन ऑफ भिवंडी भी है। बिल्कुल दोनों ही नामी खिलाड़ी। ओ राइजिंग स्ट्रोक, बिल्कुल ऐसा लग रहा था गेंद एलिफेंट टावर पर जाकर गिरेगी। 6 रन, बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक वहां पर, एक बार फिर से आता हुआ अवेश अंसारी के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर स्लॉग स्वीप किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद कई दूर जाकर गिरती हुई। 6 रन अवेश के बल्ले से, ये दूसरा सिक्सर। बिल्कुल मजहर खान, अब तो आपकी आदत पड़ गई स्क्रीन पर देखकर बोलने की, अब धीरे धीरे हमारे अंडर आर्म क्रिकेट में भी बहुत कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ हो पाया तो एक ही शख्सियत की वजह से, और उस शख्सियत का नाम है सलमान एस्केस। फिर से खेल दिए बाहर, देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर, और एम्पायर का जो फैसला रहेगा आउट, आउट का डिसीजन है। हेलो, अवेश को बाहर जाना होगा। बिल्कुल शानदार शॉट और बहुत दूरी वाला एरिया क्षेत्र चुना था, वहां पर आउट हो गए अवेश। देखिए स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर, और गेंद ऐसा लगा कि शायद बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे, लेकिन अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर लॉन्ग ऑन पर। रेहान वहां पर मौजूद थे, टीम के कैप्टन रेहान, और अवेश अंसारी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। बिल्कुल मजहर खान, एक समय तो मैंने कह भी दिया कि गेंद बाहर गई है, लेकिन आखिर तक गेंद पर नजरें जमाए रखी और एक शानदार कैच समाप्त किया है। 13 रन बनाकर आउट हो गए अवेश, नए बैट्समैन हम्माद। देखिए अक्सर हम देखते थे मजहर खान, जब भी खान स्पोर्ट्स का मुकाबला रहता था तो फाइक आउट होकर जाते थे तब हम्माद आते थे, आज पहली मरतबा खान स्पोर्ट्स का ये मुकाबला है और दोनों भाई साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ लेफ्टी राइटी का अब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हारिश रू और वाजिद खान भी, मजहर खान दो ऐसे ओनर हैं जो जानते हैं कौन से खिलाड़ी में क्या गुण है और उसको कब उस गुण का इस्तेमाल करना है, उस कला का कब इस्तेमाल करना है। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर अरबाज की, लॉफ्ट करना चाहते थे, फिर से गेंद नीची रही, पैरों में उलझ कर रह गई, कोई रन नहीं। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, तारीफ करनी होगी यहाँ पर अरबाज की, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अवेश अंसारी ने सिक्सर लगाया था उनको, उसके बाद पलटकर जवाब दिया और विकेट भी हासिल किया उन्होंने। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त टूर्नामेंट, सब कुछ जबरदस्त, और इस दफा गेंद को छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर। ये देखिए आज हमारे साथ
उमर मोमिन गोल्डन आर्म ऑफ भिवंडी गोल्डन आर्मी के कर्ता धरता जुड़ चुके हैं। बड़ा मुकाबला है, कुछ एक खिलाड़ी तो ऐसे ना मदर खान जो अंडर आर्म क्रिकेट को आज से 20 सालों से कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जिसमें से एक उमर मोमिन भी है। लेग स्टंप के बाहर एक रन का और इजाफा। आज की शाम से एशियन ट्रॉफी का आगमन। शादाब, पानी पिलाऊं? नहीं, मैं देखा था। फिर से शरीर से दूर उस शॉट को खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, लुढ़कती हुई देखना है, बाउंड्री लाइन के पार गई है। बेटा हाथ नहीं डालना है, कैमरे में आप आ रहे हो, ओ सफेद कपड़ा हम्माद। इस चौके की मदद से अब स्कोर है 27। देखिए मजर खान खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, कितना पावर झोंक दिया था वहां पर हम्माद ने। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइट का इशारा उमर मोमिन का आता हुआ। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, टाइमिंग भी बहुत ही बेहतरीन थी और जो आउटफील्ड है वो बहुत ज्यादा तेज है, वही कारण था कि गेंद जो है बल्ले के जड़ से लगने के बाद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चले गई थी। मजर खान बाई के रूप में भी चौका गया जब विकेट कीपर से मिस हुआ, ऐसा अंडर आर्म क्रिकेट में पहली मर्तबा हुआ है। फिर से वाइड का इशारा। अब देखिए जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं अंडर आर्म क्रिकेट में, अगर ये भटकती हैं तो फिर मंजिल से दूर ले जाकर कहीं अपनी टीम को छोड़ती है, लेकिन अरबाज वापसी करना जानते हैं। बिल्कुल पैरों पर यह गेंद टकराई थी, केवल एक रन की मदद से अब स्कोर है 30-30। 15 का जो औसत है उसको अभी तक बनाए रखा है मजर खान। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, जो स्कोर हम देख रहे हैं कि दो ओवर की 30 रन बनाए गए हैं, हालांकि एक विकेट भी गिरा बीच में, अवेस आउट हुए, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर हम कहेंगे। बिल्कुल, इस वक्त इरफान फरीदी ने ऑल द बेस्ट कहा है मदिया स्पोर्ट्स और खान स्पोर्ट्स को। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 30 रन। देखिए मजर खान, आप की मालूमात के लिए मैं बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट को जिन्होंने कामयाब बनाया है, अनथक मेहनत की है मदर। जब हम पहले दिन इस ग्राउंड पर आए थे तो इस ग्राउंड की काया बिल्कुल अलग थी, सैफ अंसारी, लेकिन मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद दूंगा रेहान अंसारी को और उनके भाई फैजान अंसारी, सैफ, हैदर सैयद, देखिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तौसीफ, साहिल, अरफात, साजिद उस्मानी को कौन भूल सकता है, आमिर अंसारी, अरफात अंसारी, शानू पठान, साबिर खान, आरिफ अंसारी, चंदू शाह, अब्दुल रहमान खान जो हमारे साथ, जिन्होंने बहुत जबरदस्त स्कोरिंग की है, जफर कुरैशी, तौसीफ शेख, सादिक खान, अमान शेख, जावेद खान, मजर खान, खालिद खान, गुड्डू शेख, शाहिद भाई, जियाउल शाह, सैफ अंसारी, अबू तला अंसारी, अयान खान और सिराज शेख, सभी ने बहुत मेहनत की है मजर खान, तब जाकर सलमान एस्केस धूम मचा रहे। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से आपने इन सभी लोगों का नाम लिया, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए कितना बड़ा टूर्नामेंट जो कामयाब हुआ है और आज इस टूर्नामेंट की फाइनल की रात है। देखिए कोई भी टूर्नामेंट कराने के लिए सिकंदर भाई जो कमेटी है उसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जिस तरह से यहाँ पर कमेटी वो काफ़ी मजबूत कमेटी है और कमेटी के जो डायरेक्टर वो सलमान एस्केस है। देखिए मजर खान, सलमान एस्केस जहाँ खड़े हो जाए वहाँ पर कमेटी खुद ब खुद बन जाती है, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक है सलमान एस्केस। देखो भाई पर्दे के अंदर नहीं आना है, पर्दे के बाहर खड़े रहना है, इन मामूलक थोड़ा पीछे हो जाओ। फाइट, इस दफा परिवर्तन के तौर पर उस गेंद को किया था जावेद ने, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, कोई रन नहीं, डॉट के साथ तीसरे ओवर की शुरुआत। दूसरा मुकाबला गजब का मुकाबला, आमिर स्पोर्ट्स बनाम एसीसी बाला कंपाउंड, दोनों तीनों मुकाबले क्लैश ऑफ टाइटन है सैफ, एक भी मुकाबले को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 84 टीमों का ये टूर्नामेंट था मजर खान, ये तीन टीमें 81 टीमों को हराकर यहाँ पर पहुंची। अब यहाँ से कौन इस ट्रॉफी के बगैर घर जाना चाहेगा, जेप्टो का गिफ्ट हैम्पर भी आ चुका है, खूबसूरत ट्रॉफियां भी आ चुकी हैं, सब कुछ सलमान एस्केस के इस
टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। साजिद उस्मानी भी चमक रहे। अब जाकर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ और फायक अंसारी ने भी कह दिया बस 6 रन। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर फाइक के बल्ले से आया और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर फाइक के बल्ले से, बिल्कुल फ्रंट फुट को अलग किया था और क्या खूबसूरती से उस शॉट को खेला और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। एक और तो 2 गेंदों में 2 सिक्सर अभी तक इस टूर्नामेंट में 15 छक्कों की हैट्रिक हुई है। बॉल देना है कमेटी, आज देखिए सबको एक्टिव रहना है। लेकिन क्या बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त फाइक द्वारा, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर फाइक ने। गरम पानी का बैट्समैन यूनी, इन्हें लकब मिला है मजर खान। जहाँ मैटर बड़े होते वही तो फाइक खड़े होते हैं। हिटमैन ऑफ डी के नाम से जाने जाते हैं फाइक अंसारी। अब तक अपनी पारी में 3 सिक्सर लगा चुके हैं। हमारे बीच में अब से कुछ ही देर में सूरज भाई थाने से तशरीफ ला रहे, अंश लाले साहब खाड़ी पार से और आकाश पाटिल साहब और अनिकेत पाटिल साहब। आइए हमारे बीच में दिलावर खान साहब का भी आगमन हो चुका है, आपका भी स्वागत है दिलावर खान साहब। 43 स्कोर जो अब तक बनाया गया, 3 ओवर की समाप्ति और 43 रन 1 विकेट गंवाने के बाद फाइक अंसारी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। अब तक जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने किए, 3 सिक्सर लगाए और 19 पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर 43। 3 सिक्सर फाइक अंसारी ने लगाए, 2 कासिम बाबू भी आज हमारे साथ जुड़े। वेलकम कासिम बाबू, आपका हार्दिक स्वागत है। खान स्पोर्ट्स बहुत मिस कर रही है, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हेलो, सलमान इसके इस जो कहा वो करके दिखाया। साबिर अंसारी जी भी हमारे साथ उपस्थित है, वेलकम साबिर भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। इंशा बुरका हाउस के कर्ता धर्ता प्रॉप राइटर। इसके 4 ओवर के फौरन बाद एसीसी बाला कंपाउंड के कैप्टन और आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन, देखिए 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, दोनों टीमों के कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। प्रिंस मूवीज पर इसका लाइव टेलीकास्ट एक बार फिर से दिखाया जा रहा है। सोहेल आ चुके हैं, सीसी के आमिर के भी यहीं पर हैं। बस 4 ओवर की समाप्ति के बाद तो लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में आएंगे अज्जू। अज्जू को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है, वॉल ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट। लेकिन हम्माद देखना, अब 6 गेंदे हम्माद के पास बची है, क्या कुछ कर पाते अपनी टीम के लिए। स्लॉग करना चाहते थे, देखना 1 रन के लिए निकल पड़े आदि। हाँ नहीं तू मैं मगर में कोई बात रो नहीं लगा। कहीं ना कहीं सिकंदर भाई मुनमुन ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, यही क्योंकि तो है। एक आसान सा मौका था वहां पर विकेट निकालने का, लेकिन अंडर आर्म थ्रो किया, लेकिन गेंद जो स्टंप से नहीं लगी और जीवन दान भी मिला और 1 रन और फाइक अंसारी स्ट्राइक पर भी आ गई। बिल्कुल मजर खान, देखिए वो कहते ना कि डर के आगे जीत है, पहले रन लेना मुनासिब समझा, उसके बाद देखा कि मुनमुन गेंद तक पहुंच गया, फिर अपने कदमों को पीछे किया। हालांकि मुनमुन प्रेशर में आ गए थे वहां पर, अगर दौड़कर भी लगाते तो विकेट प्राप्त कर सकते थे। 5 गेंदे और, बहुत ज्यादा शरीर से दूर रखी थी इस गेंद को, यही कारण है फिर से 1+1 में 2 रन और जुड़ेंगे। 2 रनों की मदद से स्कोर है 46। हालांकि मदर खान देखिए स्कोरिंग पर क्या बखूबी साथ दिया, अब्दुल रहमान खान ने, आम भाई ने और अमान शेख जो के 3-4 दिनों से हमारे बीच में नहीं है। साबिर भाई आपको वीआईपी पर बैठना है, ये देखिए
हारिश रू कितना खुश नजर आ रहे, एक कामयाब टीम के करता धरता लगातार 25 सालों से सजा और संवार कर रखा है अपनी टीम को। ऐसा लग रहा है कि जैसे उमर मोमिन अंपायरिंग पर नहीं है बल्कि सलमान इसके ऐसे हैं, दोनों दूर से भाई भाई दिख रहे हैं। खेल दिया है, मन चाहा स्ट्रोक, मन चाही गेंद पर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। इस बार आता हुआ हम्माद के बल्ले से, हम्माद ने इस बार दम दिखाया है, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया। देखिए थोड़ी सी गेंद टॉस हुई थी, वहां पर गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर हम्माद के बल्ले से। फिर से खेल दिया उस शॉट को, 6 रन, 2 गेंदों में 2 सिक्सर और टीम का स्कोर है इस वक्त 58। आइए अब बिल्कुल अभी से कुछ ही देर बाद हमारे बीच उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हमारे माननीय फिर से सेमीफाइनल का मुकाबला है मदर खान, जिसमें हम्माद का बल्ला चल रहा है। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, सेमीफाइनल का मैच है, बड़ा मैच है और बड़े मैच का ये खिलाड़ी है। 16वें बने हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले हम्माद अंसारी, फिर से एक शानदार शॉट, 4 रन। कितने रन हुए अब्दुल रहमान? 68 रन। क्या कहेंगे मजहर खान इस पारी के बारे में? जी बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हम्माद, कमाल की बल्लेबाजी। बिल्कुल, हम मुकर्रम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसके ट्रॉफी में 4 चांद लगा दिए, हमारे लाइव स्पॉन्सर। कल्लू भाई ने इस वक्त खान स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा एसीसी के कल्लू। देखिए 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 69 बनाए 70 का टारगेट। आइए अगले टॉस की तरफ, देखिए सामने से हटना। उसी बीच हमारे बीच मौजूद है मासूम खान हमारे बीच उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं हमारे माननीय। मैं सूरज भाई थाने से जो तशरीफ लाए उनका हार्दिक स्वागत कर दो, साथ ही साथ हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर माननीय श्री अंश लाले खाड़ी पार से तशरीफ लाए, आकाश पाटिल साहब और अनिकेत पाटिल साहब। आइए आपका हार्दिक स्वागत है एसकेएस ट्रॉफी सीजन 3 में सलमान एसकेएस द्वारा। एक बार वापस लो, आप रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट बाद ही लो। आइए ओहो आइया, आई एम ए डिस्को डांसर, खतरनाक लुक दिया आज आइया ने। आइए हमारे बीच इस वक्त आगमन होने जा रहा है सूरज भाई जो के थाने से तशरीफ लाए, अंश लाले जी खाड़ी पार से और आकाश पाटिल साहब और अनिकेत पाटिल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, एक बार वापस बोल देना। इसके बाद टॉस भी हमारे इन्हीं माननीय के हाथों से होगा। मजहर खान तैयार, दोनों टीमें तैयार, दूसरा सेमीफाइनल का सिनेरियो तैयार। ये देखिए क्या डैशिंग एंट्री ले रहे हैं हमारे सभी माननीय। एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सूरज भाई जो कि थाने से तशरीफ लाए, अंश लाले जी जो कि हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है खाड़ी पार से तशरीफ लाए, आकाश पाटिल साहब और अनिकेत पाटिल साहब। आइए लेकिन अरबाज अय्या बहुत दूर से नजर आ रहे हैं मजहर खान। तो आइए हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर अब हमारे बीच में उनका आगमन होने जा रहा है। हमारे सूरज भाई जो थाने से बिलोंग करते हैं, अंश लाले भाई खाड़ी पार से, साथ ही साथ आकाश पाटिल जी, अनिकेत पाटिल जी, ये हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ग्रैंड एंट्री उनकी होती हुई।
साथ में अगर हम देखें तो सलमान खान भी वहां पर नजर आ रहे हैं, अरबाज खान भी है और पूरी कमेटी वहां पर नजर आती हुई, सूरज भाई थाने वाले, अंश लाले भाई जो हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, आकाश पाटिल साहब और अनिकेत पाटिल साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। इस केश ट्रॉफी 2023 में आपका स्वागत है। हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर है सूरज भाई, अंश लाले साहब, आकाश पाटिल जी और अनिकेत पाटिल जी, मोस्ट 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 वेलकम, हार्दिक 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 स्वागत है आपका इस केश ट्रॉफी 2023 में। बिल्कुल ग्रैंड एंट्री उनकी हुई है। तो पहले सेमीफाइनल का ये मुकाबला जिसकी पहली इनिंग समाप्त हुई है, पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए गए हैं उन 70 रन बनाए हैं खान स्पोर्ट्स ने, 70 रनों का टारगेट रहेगा अब अहमदिया स्पोर्ट्स के सामने। आइए अब दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। आइए सलमान भाई, आइए दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है और टॉस को अंजाम देने के लिए मैं सूरज भाई, अंश लाले भाई और अनिकेत भाई और साथ में और जो उनके मित्र है सभी से मैं कहूँगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए सूरज भाई थाने से जो बिलोंग करते हैं, अंश लाले भाई, खाली पार के आकाश पाटिल जी और अनिकेत पाटिल जी, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आइए अंश भाई, ये कॉइन दिखा दो, सबसे पहले तो एक तरफ है स्केच ट्रॉफी और दूसरी तरफ है अल फतेह, कॉल रहेगा अरमान गोरी आमिर स्पोर्ट्स का, क्या कॉल रहेगा एसकेएस कहना है, आकाश पाटिल साहब उनके शुभ हाथों से ये टॉस होता हुआ, एसकेएस कहना था और आया भी है एसकेएस। तो खूब खूब धन्यवाद सूरज जी, आकाश जी, अनिकेत जी, अंश भाई, अंश भाई खुद हमारे खाली पार के ही है। आइए दोनों कैप्टन, तो अभी अभी यहां पर दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हुआ है। हमारे आज के जो मान्यवर है जिनकी ग्रैंड एंट्री हुई है उन्हीं के हाथों से ये टॉस हुआ है, टॉस को जीता है आमिर स्पोर्ट्स से कैप्टन ने अरमान गोरी। अरमान, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए है और अगर हम इन तादाद में अगर दर्शकों के ऊपर नजर डालें तो कम से कम 30% दर्शक आपके संगम पाड़े से ही होंगे। जरूर, बेशक हम चाहते भी है और पब्लिक आए हमारे एरिया से। जिस तरह से यहाँ का क्लाइमेट है और जिस तरह से टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर सलमान स्केस ने और जो कमेटी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्राउड से पता चल रहा है। सेमीफाइनल में आपकी टीम पहुंची है, किस तरह से फील कर रहे हो? बहुत प्राउड फील कर रहे। सामने जो टीम है एसीसी बाला कंपाउंड, एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, इनके खिलाफ कोई प्लानिंग की है आपने? नहीं, उतनी खास प्लानिंग नहीं, जो अपना नेचुरल गेम है वही खेलना है। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करना चाहेंगे। इस वक्त मेरे साथ एसीसी कैप्टन सोहेल है। सोहेल, टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी आई है। कल जिस तरह से शादाब ने बल्लेबाजी की, आपने बल्लेबाजी की, क्या वही बल्लेबाजी हम इस सेमीफाइनल में देखेंगे? इंशाल्लाह जरूर वैसे ही करेंगे। एसके ट्रॉफी के बारे में क्या कहना है? एसके ट्रॉफी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है खेलने में, और जो भी टीम खेले सबको अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मतलब टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई टीम को बहुत ज़्यादा रुकना नहीं पड़ रहा है, टाइम टू टाइम राउंड हो रहा है। सबसे अच्छा मतलब यही हुआ एसके ट्रॉफी में। तो अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है दूसरे सेमीफाइनल का, टॉस को जीता अरमान गोरी ने, आमिर स्पोर्ट्स से कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। पहला सेमीफाइनल और दूसरी इनिंग अब यहां पर शुरू हो चुकी है। ओपनर बल्लेबाज दोनों ही फैजान और अज्जू,
और गेंदबाजी में है मोहम्मद। ओहो बोल्ड, बड़ा विकेट वहां पर गिरा, फैजान इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, यही खास बात रहती है मोहम्मद की। हमारे बीच में अभी अभी शहबाज खान और आयान खान साहब का भी आगमन हो चुका है, वेलकम, आपका भी स्वागत है शहबाज खान और आयान खान। अजहर शेख और परवेश शेख मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और अंश लाले भाई के बहुत ही करीबी दोस्त है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे सूरज भाई मौजूद है जो थाने से बिलोंग करते हुए, अंश लाले भाई हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है खाड़ी पार से बिलोंग करते हुए, आकाश पाटिल जी और अनिकेत पाटिल जी, और उसी बीच वहां पर नो बॉल और देखना है कि रन कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर, टोटल 7 रन, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ अरबाज मोमिन के बल्ले से। बिल्कुल मजर खान एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी अरबाज, हालांकि इस पूरी स्पर्धा में गेंदबाजी नहीं की इन्होंने, क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है अरबाज मोमिन के बल्ले से। फिर से ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आ गए सिकंदर भाई। ये अरबाज मोमिन है, ये जब बल्लेबाज खेलता है ना तो फिर सामने वाली टीम उतना बेहतर खेल नहीं पाती इसके खिलाफ। बिल्कुल मजर खान, इसके ट्रॉफी का वो मेगा फिनाले कौन भूल सकता है जिसमें इंडियन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों की धज्जियां बिखेर कर रख दी थी। ये तो एसकेएस ट्रॉफी की आपने पिछले सीजन की बात करी, यूपीएल का वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला देखिए ना आप, भोपाल एक्सप्रेस के सामने जो बल्लेबाजी की थी उन्होंने। इस बार देखना कवर की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, अलकामा वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग जरूर रही है, सिंगल पूरा किया और डबल के लिए वहां पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली है, तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां पर बल्लेबाजों ने, इन दोनों की मदद से स्कोर अब 17 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए सिकंदर भाई। अगर खान स्पोर्ट्स की हम बात करें तो खान स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने एक अच्छा टोटल दिया है। बिल्कुल मजर खान, लेकिन देखिए कमेंट्री से हट के मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मेगा फिनाले इस टूर्नामेंट में जल्दी होगा मोहम्मद। इस बार चॉप कर दिया, गैप में गेंद जाती हुई काफी दूर से आते हुए, एक बार फिर से अलकामा वहां पर, थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन इस बार सिंगल ही रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। फील्डिंग लगातार हम देख रहे हैं कि अलकामा बहुत बेहतरीन कर रहे हैं खान स्पोर्ट्स के लिए, कल भी जो उन्होंने फील्डिंग की थी जहां पर रन बचाए थे, और आज भी हम देख रहे कि बेहतरीन फील्डिंग का मुजहरा इस वक्त पेश करते हुए। देखिए अहमदिया स्पोर्ट्स पिछले 2 साल पीछे आप चले जाए मजर खान, वही खेल इस टूर्नामेंट में इनका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सिकंदर भाई, अहमदिया स्पोर्ट्स शांति नगर की टीम है और शांति नगर से जितनी भी टीमें आती है बहुत ही बेहतरीन टीमें रहती है, क्रिकेट की 2 नगरी, एक खाड़ीपार एक शांति नगर, और दोनों टीमें यहां पर खेल रही, खान स्पोर्ट्स खाड़ीपार और अहमदिया स्पोर्ट्स शांति नगर। इस बार सिंगल रन लिया है वहां पर अज्जू ने, सिंगल रन से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 19 पर। बिल्कुल मजर खान आपने सही कहा, 2 नगरी है लेकिन 2 नगरी और है, एक बाला कंपाउंड और एक संगम पाड़ा, ये भी सेमीफाइनल में है। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, दूसरा सेमीफाइनल रहेगा आमिर स्पोर्ट्स और एसीसी बाला कंपाउंड के बीच में। इस बार बेहतर गेंद रही थी वहां पर, तेज तरार गेंद रही थी, मिडल में गेंद को रखा था जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति जिसमें रन बनाए गए है 20, एक ओवर की समाप्ति 20। देखिए अंडर आर्म क्रिकेट का अगर मोहम्मद को डेल स्टेन कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद सिल्वर आर्म सब भेवंडी है, और बिल्कुल जिस तरह से डेल स्टेन गेंदबाजी किया करते थे, तेज तरार गेंदबाजी उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस ओवर में 20 रन आए ये भी हम बोल नहीं सकते। देखिए थोड़ा जल्दी करना हारिश रू प्लीज। देखिए बहुत बड़ी शख्सियत है हारिश रू और कासिम बाबू हमारे साबिर भाई, क्रिकेट की हर बारीकी को समझते हैं हमारे ताहिर मोमिन साहब।
साबिर अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े, अंश लाले जी भी हमारे साथ जुड़े। ये देखिए आज के जो हमारे मान्यवर्स है उनको दिखाया जा रहा है। आकाश पाटिल जी है, अंश लाले भाई है, अनिकेत जी है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आएंगे सकलेन, युवा गेंदबाज। पिछले सीजन इस गेंदबाज ने खान स्पोर्ट्स में एंट्री किया और क्या जबरदस्त एंट्री रही थी सकलेन की। उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। दूसरे ओवर में सामना करेंगे अरबाज मोमिन। दो ही गेंदबाज तो मदर खान उभर कर आए थे। पहली गेंद वहां पर सकलेन की, देखने की क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही है। वाइड गेंद से अपने ओवर की शुरुआत की है जिसपे एक रन आ गया और स्कोर अब 21-21 पर जा पहुंचा है। परवेश शेख को दिखाया जा रहा है इस वक्त। फिर से वहां पर सकलेन की ये गेंद, इस बार देखना है कि बेहतर गेंद रही थी। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी। बल्लेबाज कहीं ना कहीं डबल माइंड हो गए थे, उनको लगा शायद गेंद सीधी जाएंगी और वाइड हो जाएंगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और ये डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सकलेन द्वारा, और इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अरबाज के बल्ले से। खूबसूरत स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। देखिए मजर खान अब पेशेंस और तजुर्बे का गेम हो गया है। सकलेन के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास जो टीम है वो नहीं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए 25 सालों से खेल रही है। लेकिन उनके सामने जो खिलाड़ी अरबाज मोमिन वो लगातार अपनी टीम के लिए संकट मोचक बनकर खेलता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। हालांकि गेंद बहुत ही अच्छी थी, स्विंगिंग गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप पर गेंद को रखा था और क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अरबाज के बल्ले से। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद और वाइड। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ चुका है और स्कोर 28 पर स्कोर। ये देखिए यही खास बात रहती प्लास्टिक अंडर आर्म क्रिकेट की, जिस तरह से हम टेनिस क्रिकेट में देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, उसी तरह से यहां पर ये मंजर देखने को मिला है अरबाज मोमिन के फैन उनसे आकर मिलते हुए। कितने गर्व की बात है मजर खान के अब अंडर आर्म क्रिकेट के खिलाड़ियों के भी फैन है। लेकिन इस बार देखना है कि नो बॉल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने सिकंदर भाई, अगर हम हैदर सैयद की बात करें, हैदर सैयद के भी बहुत ज्यादा फैन है, तंजीम गोरेकर के बहुत ज्यादा फैन है, और अभी अभी हमने देखा कि अरबाज मोमिन के फैन सूरज पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद है, अंश लाले भाई जो हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, आकाश पाटिल जी और अनिकेत पाटिल जी, और भी कई मान्यवर इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सलमान एसकेएस की तरफ से, कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है, इस टूर्नामेंट को आपने कामयाब किया है। हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर अंश लाले भाई, एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, फिर से वहां पर देखना, छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है और अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही सिकंदर भाई, लगातार हम देख रहे हैं गेंद कट के अंदर की तरफ आ रही है और बल्लेबाज डबल माइंड हो रहे हैं, लेकिन इस बार पलट कर वार किया है बल्लेबाज ने। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी और क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर अरबाज मोमिन ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 35 रन, आधा पड़ाव पार कर चुकी है अहमदिया स्पोर्ट्स, क्योंकि 70 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए और 35 बन चुके हैं और अभी भी 2 ओवर खत्म नहीं हुए है। देखिए आप फैन है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार नहीं आना है, वरना सलमान खान ने आज 2 बाउंसर भी रखे हुए हैं। चार सिक्सर अब तक लगा चुके हैं अरबाज मोमिन, अच्छी बल्लेबाजी। फिर से वहां पर इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, गेंद मिड ऑन की दिशा में गई है। मोहम्मद जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत अच्छा रिप्लाई देखने को मिल रहा है यहां पर अहमदिया स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल मजर खान, खास तौर पर जो बल्लेबाजी अरबाज कर रहे ये सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। 36 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद अहमदिया स्पोर्ट्स। पुल कर दिया इस
बार डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, वन बाउंस में गेंद को फील्ड करने की कोशिश और सिंगल ही रन आएगा इस बार। मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला था, वहां पर अज्जू ने, जहां पर बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया और 37 पर स्कोर, दो ओवर की समाप्ति और स्कोर बनाया गया है 37। बिल्कुल मजहर खान, अब हमारे बीच में गोल्डन मैन खाड़ी पार से तशरीफ लाए, उन्होंने भी इसके ट्रॉफी में चार चांद लगा दिए। सेमीफाइनल में दो फलों की टोकरी हमें स्पॉन्सर की, आइए इज्जत माब तीन फलों की टोकरी हमें स्पॉन्सर की है। आइए गोल्डन मैन सुफियान खान साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम गोल्डन मैन सुफियान खान, इंशा बुरका हाउस के सुफियान खान, हमारे सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर। वेलकम 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 सुफियान खान, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ सलमान एसकेएस की जानिब से। ये देख सकते हैं आप सुफियान खान की ग्रैंड एंट्री होती हुई, ये जो फलों की जो टोकरी आप देख रहे हैं ये हमें स्पॉन्सर की है सेमीफाइनल में। वेलकम सुफियान भाई, आपका स्वागत है। देखिए मजहर खान, इंशा स्पोर्ट्स के जो करता धरता साबिर भाई और सुफियान भाई है, अब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हालांकि उद्योगपति हैं और बहुत अच्छे और बहुत के मालिक भी हैं। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, सुफियान खान के पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है उनके, और इंशा बुरका हाउस जो पूरे भिवंडी में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बुरके के सेलिंग करते है। वेलकम सुफियान भाई, आपका स्वागत है। दो ओवर की समाप्ति पर 37 रन बने, अब 12 गेंदे और 33 रन चाहिए। देखिए जो लोग यहाँ पर आए, जो टीमों के समर्थक है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट पास नहीं करे जिससे किसी खिलाड़ी को दुख हो। प्लीज सभी से मैं कहूँगा थोड़ा कॉपरेट करे। 12 गेंदे और 33 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में 37 रन बनाए गए है। उमर मोमिन के भी एक फैन आ चुके थे। 29 पर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए अरबाज और गेंदबाजी में आएंगे समद। पहली गेंद वहां पर समद की तेज तरह स्ट्रोक, लेकिन कमाल की फील्डिंग वहां पर डीप में रही है मोहम्मद द्वारा। हमारे बीच में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब आयान खान साहब का आगमन होने जा रहा है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आयान खान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। देखिए कल जिस तरह से समद ने गेंदबाजी की थी सिकंदर भाई, 6 रन दिए थे और वहीं से खान स्पोर्ट्स ने क्वार्टर फाइनल का वो मैच जीता था, वही उम्मीद एक बार फिर से रहेंगी खान स्पोर्ट्स को समद से। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन, स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर बल्लेबाजों ने, लेकिन इस बार इंतजार और वार और गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त हो रही है अरबाज मोमिन द्वारा, हल्की सी गेंद ने उछाल लिया था लेकिन बहुत पहले गेंद को पढ़ लिया था और गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। ओहो, इस बार तो तारा मंडल में गेंद को भेज दिया है, लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर आ गए हैं। बड़ी रेस का ये घोड़ा, बड़े मैच का ये खिलाड़ी, 50 स्कोर अब हो चुका है। अभी भी यहां से जो 3 गेंदे और बची हुई इस ओवर में, 9 गेंदे और 20 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। अब तक 6 सिक्सर लगा चुके हैं अरबाज मोमिन और कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए ग्रैंड एंट्री होने जा रही है आयान खान साहब। कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट है आयान खान साहब। वेलकम आयान खान साहब, आपका स्वागत है। वेलकम 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 आयान खान साहब, कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट, आपका स्वागत है। सलमान खान उनके साथ में, ये देखिए ग्रैंड एंट्री उनकी हुई है। आइए आयान खान साहब, एसके ट्रॉफी 2023 में आपका स्वागत है, और साथ में दानिश भाई भी है। वेलकम दानिश भाई, आपका भी स्वागत है। इस वक्त VIP डाइस पे जितने भी आज हमारे मान्यवर मौजूद है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इस टूर्नामेंट को आपने चार चांद लगाया है। आगे निकलकर इस बार खेला और गेंद ये भी जाएंगी बाउंड्री के पार 6 रन। देखिए मजहर खान, ऐसा लग रहा है ये मुकाबला खान बनाम अहमदिया नहीं बल्कि खान बनाम अरबाज मोमिन हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर अरबाज द्वारा 7 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं। फिर से
फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। रनों की बारिश हो रही है और हर गेंद अब बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है। 7 रन और चाहिए। वो कितने पे बैटिंग कर रहे हैं? 53 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 50 भी हो चुकी है उनकी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस बल्लेबाज की और इस शॉट की। 1 रन चाहिए अब यहां से। 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगा चुकी है। मच्छा कंपाउंड का इसके ट्रॉफी वो याद होगा जिसमें 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए थे इंडियन स्पोर्ट्स के सामने, लेकिन यहां पर खान स्पोर्ट्स के सामने 5 में 5 सिक्सर। आकाश भाई यही खास बात प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। 70 रन बनाने थे लेकिन अब एक ओवर का खेल बचा जिसमें सिर्फ 1 रन चाहिए, ये खास बात है। आकाश भाई भी मेरे ख्याल से टेनिस क्रिकेट अच्छा खेलते होंगे लेकिन ये प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट कुछ अलग है। अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर। मैच खत्म होने के बाद सारे इनाम अनाउंसमेंट किए जाएंगे। बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जा रही है और इसी के साथ इस मैच को जीत लिए और फाइनल में पहुंच चुकी है अब अहमदिया स्पोर्ट्स। हार्ड लग खान स्पोर्ट्स, हार्ड लग हारिश रू, हार्ड लग वाजिद खान, कॉन्ग्रेचुलेशन अहमदिया स्पोर्ट्स। सभी बच्चे बाहर हो जाना है, सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि बाहर हो जाना आप लोगों को। देखिए सभी बच्चे बाउंड्री के बाहर हो जाए, सभी बच्चे बाउंड्री के बाहर आप लोग हो जाए। जो वॉलंटियर्स यहाँ पर है सभी से मैं कहूँगा कि जो बच्चे ग्राउंड में उनको प्यार मोहब्बत से बाहर करें। आइए देखिए आज हमारे बीच में आज के जो हमारे मान्यवर्स है उनका सत्कार सम्मान पहले होगा, उसके बाद फिर मैन ऑफ द मैच रहेगा। पहले उनका सत्कार सम्मान हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर मैन ऑफ द मैच देंगे। देखिए बच्चे जो ग्राउंड के अंदर खड़े बाहर मौजूद है जो ठाणे से आए हमारे बीच में। मैं सलमान इसके से कहूंगा कि आपको उनका सत्कार सम्मान यहां पर करना है। ये देखिए सत्कार सम्मान यहाँ पर होने जा रहा है। सूरज गुप्ता साहब ये सत्कार सम्मान बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए सलमान इसकेस, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज गुप्ता साहब आप यहाँ पर आए, ठाणे से आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया। मैं सलमान खान की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। आइए मैक्स लाले भाई हमारे बीच में मौजूद है, हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है। और अरबाज खान क्या बात है, आज अरबाज की जो ड्रेसिंग है अगर ये टूर्नामेंट की जो फ्लड लाइट वो बंद भी कर दे तो भी उतना ही उजाला रहेगा। अंश लाले भाई हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, उनका सत्कार सम्मान यहां पर किया जा रहा है। खूब खूब धन्यवाद दादा तुम्हें इतने आले, तुम्ही तुमसे भरपूर वेळ दिले बद्दल तुमचा खूब खूब धन्यवाद। आइए हमारे बीच में अब इस वक्त आइए हमारे बीच में आकाश पाटिल जी मौजूद है, अब उनका स्वागत सम्मान हम करने जा रहे हैं। आकाश पाटिल जी आज शहबाज खान से मैं कहूँगा, आइए शहबाज भाई, सलमान खान और अरबाज खान के बहुत ही करीबी दोस्त है, भाई है उनके। शहबाज खान आकाश पाटिल जी, आकाश पाटिल जी भी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है और उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया अरबाज की बैटिंग।